देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी को सबसे बड़ी कमेटी से समिति से बाहर किया गया, जिसके बाद सवाल भाजपा पर उठे। उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को अब तक योगी सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठे। इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशाने ऐसे लगा दिए हैं जिनका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 31 साल का लंबा राजनीतिक उनका अनुभव है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी में पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भाजपा आलाकमान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 8 सीटें जीती। भाजपा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी आरएलडी को चुनौती देकर पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। लगभग 18-20 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में छोटे छोटे समुदाय के बड़े बड़े वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का किसानों के बीच अच्छा प्रभाव है। लंबे चले किसान आंदोलन के दौरान पार्टी ने जाट समुदाय को मनाने की जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह को ही दी थी। अब एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। जो सवाल उठ रहे हैं, नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, उन नाराजगियों को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति करने में व्यस्त हो गई है। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट।